सेकेंड स्टैंजा में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस तरह से स्प्रिंटिंग ट्रीज यंग मेरी चिल्ड्रेन जो है ये बात जो है वो उनके मन को जो है वो सहानुभूति देती है. नाउ इन दिस थर्ड स्टैंजा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. नाउ वैन का मतलब होता है पेल और डल, डल लुकिंग फेस. नाउ सो आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे उन लोगों का सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होता है. उसके बाद ये लोग दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं. लाइक उनकी जो माँ रहती है वो वहीं रह जाती है, अपने घर की ओर जाने लगती है, और जो पोएटेस रहती है वो अपने फ्लाइट की ओर जाने लगती है. तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ये लोग कुछ यार्ड दूरी पे ये लोग खड़े हैं दोनों. आई लुक्ड अगेन एट हर, वापस से पोएटेस जो है वो अपनी माँ की ओर देखती है. वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, और फिर से अपनी माँ से जो बिछुड़ने का जो दुख है वो वापस पोएटेस के मन में आ जाती है, और वो अपनी माँ की ओर देखती है. वैन, वैन का मतलब क्या होता है, डल रिंकल्ड फेस जो है वो कंपेयर किया जाता है एज अ लेट विंटर्स मून. लेट विंटर्स मून का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से ठंडे के समय में, ठंडे के दिनों में जो चांद होती है वो बहुत कम दिखाई देती है हमें, ठीक उसी तरह से उनकी माँ का जो चेहरा है वो धीरे धीरे ओझल हो रहा था पोएटेस के नजरों से. सो ओवरऑल क्या है कि सिक्योरिटी चेक करने के बाद ये लोग दोनों एक दूसरे से कुछ यार्ड की दूरी पे खड़ी होती है, और अचानक से जब पोएटेस अपनी माँ को देखती है तो वापस फिर से वो अपनी माँ से बिछुड़ने का जो डर है वो वापस पोएटेस के मन में आ जाती है, और वो अपनी माँ की चेहरे को लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है कि किस तरह से उनकी माँ का जो चेहरा है वो धीरे धीरे पोएटेस के नजरों से ओझल हो रही होती है, ठीक उसी तरह जैसे कि विंटर में, सीजन में, ठंडे के दिनों में जो चांद जो है वो ओझल सा दिखाई देता है हमें. दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड स्टैंजा. सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ स्टैंजा. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक My childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Familiar ache. Ache means pain, dard. Now, so, हम लोग third stanza में अभी हम लोग पढ़ें कि her face was compared to late winter's moons. Means, again, जो poetess है, उनको उस दुख का एहसास होने लगता है जब वो अपनी माँ से दूर होने लगती है, और वो अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर्स मून से कंपेयर करती है. नाउ इन दिस पैराग्राफ एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक का मतलब क्या होता है कि वापस से उसके मन में वो जो डर है, कौन सा डर, अपने माँ से बिछुड़ने का जो डर है उसका दर्द वो महसूस करने लगती है. My childhood's fear, उनके जो बचपन का जो डर था अपनी माँ से बिछड़ने का, वो वापस से फिर से अभी उनके मन में आ जाता है कि वो अपनी माँ से अब दूर हो रही है. लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए वो क्या कहती है, But all I said was see you soon, अम्मा. वो कहती है कि फिर मिलेंगे अम्मा. All I did was smile. और वो ये कहती है कि फिर मिलेंगे अम्मा, और एक छोटा सा स्माइल देती है इस आशा में कि फिर वो वापस आएंगी और अपनी माँ से मिलेंगी. दिस इज ऑल अबाउट द